जय माता दी। जैसा देख रहे हैं कि फिलहाल मैं अभी लाइव हूँ, मैं काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे कॉल करते हैं, तो उन्हीं को कुछ बोलने के लिए आया हूँ मैं। जुड़ते जाए। नितिन राणे, सुरेंद्र कुमार, नम्रता, जय माता दी। जय माता दी स्वर्ग। अभी सो के उठा था, देखा मैं काफी लोग इंस्टाग्राम पे कॉल कर रहे हैं, क्या ऐसा, क्या दिक्कत, क्या है ऐसा? थोड़ा काम में व्यस्त होने के कारण मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी बात तो जो करना है वो तो कर ही रहे हैं। ठीक है, अभी नींद में ही है क्या? सो के उठेंगे तो नींद में ही रहेंगे ना बेटा, लेट सोना होता है। बैठक कब होगी? होगी बैठक, होगी। चलो नम्रता, तुम फोन कर रहे थे ना, ज्वाइन करो, यहाँ पे बात करता हूँ मैं। ज्वाइन करिए। जय माता दी। सुकेश कुमार पांडे आपके पास आना चाहते हैं। बेटा अभी कट्टूकट समय लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो जेन्युइन लोगों को ही बुला रहा हूँ मैं। 6 नंबर की टीम 15 तारीख से बैठेंगे, मतलब साधना के लिए, उसके बाद देखते हैं। हरप्रीत, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। और क्या हाल है जी, कैसे हो जी आप? बस सब माता महादेव आशीर्वाद। मैंने आपसे पहले भी गुरु जी बात की थी, मेरे ना थोड़ा सा काम काज ठीक नहीं चल रहा है, भाई थोड़ा तंग कर रहा है। तो काशी आके मिलो ना। काशी आऊं जी, ये मेरा मंदिर है, ये बनाया हुआ। घर में ही बनाया आपने? हाँ जी, हाँ जी, घर में ही बनाया जी। चलो अच्छी बात, भक्ति होनी चाहिए है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, भक्ति सदैव होना चाहिए। और हाँ क्या जी, करते हो, क्या करते हो? मेरा गुरुजी इंटरी डेनिंग का काम है, जो आपका वो छत का प्रॉब्लम नहीं आया था नव दुर्गा शक्तिपीठ में, सीलिंग डाउन हो गई थी, मेरा वो काम है गुरुजी, वो करता हूँ मैं। जैसे नहीं समझा मैं, जो आपका वो सीलिंग में प्रॉब्लम नहीं आया था, वो पीवीसी का जो आपने करवाया, जैसे आपको भी पीछे हुई हुई है, ओके 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 ओके, समझ गया, उसका काम करता हूँ गुरुजी मैं। चलो तो ठीक है ना, उस पर ध्यान दो, काम होगा, क्यों टेंशन नहीं, टेंशन लेने की। आप थोड़ा सा कृपा कीजिए, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, परेशान बहुत रहता हूँ जी। चलो हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है गुरु जी, मैं आऊंगा फिर किसी दिन काशी आपको फोन करके, ठीक है जी? वहां पे आइए आइए, कोई टेंशन नहीं है, है ना?
गुरु जी, आप कृपा बना के रखिए जी। सदैव माता की कृपा, एक बार नाम लिए तो कृपा ऐसे हो जाता है। ठीक है गुरु जी, ठीक है। चलिए जय माता दी गुरु जी। चलिए ठीक है, जुड़िए जब तक देखते हैं ना गुरु जी। आपसे मिलकर तो बहुत अच्छा लगा। हाँ बेटा बताइए, इंतजार करा है गुरु जी मुझसे बात करें। माता जी ने लगा सुन लिया है ना गुरु जी। माता जी ने सुन लिया, अभी मैं सो के उठता तो देखता हूँ कहाँ पे कौन एक्टिव है। जब मैं आ गया ना हाँ गुरु जी, सब बढ़िया है, कट रही है जिंदगी। गुरु जी मेरी जिंदगी कब अच्छी कटेगी? तेरा तो वीडियो पहले आ नहीं रहा है, तो ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे जाके क्या कर रहे हैं तू तो? यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, करे क्या, दिल्ली में बैठे। चलो ठीक है बेटा, देखते जाओ, जुड़ेंगे हम प्रश्न जुड़ेंगे। ठीक है हेलो बोल बेटा, कहाँ घूम रहा है घर के अंदर? क्या गुरु जी, और गुरु जी बोलिए। लिखा है नम्र, क्या नम्रन से भी बढ़िया की कृपा बहुत बहुत दुनिया की खुशी भी। गुरु जी बोलो अमृता। बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। एक बीमारी के लिए ठीक करवाने के लिए हाँ बेटा, पेमेंट हो गई है मम्मी को। हाँ पेमेंट हो गई है तो कॉल करेंगे बेटा, मेरा एक भक्त है ईश्वर करके बात करेगा। आवाज आ रही है? नहीं ये मिलने है गुरु जी, मिलने 10 तारीख के बाद आइए मिलने। ठीक है अच्छी बात, काशी आना पड़ेगा क्या? बिल्कुल अच्छी बात, गॉड ब्लेस यू। जी 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 कैसे आना पड़ेगा बेटा, आ जाना। ठीक है अच्छी बात। प्रणाम गुरु जी। कुछ नहीं है बोलिए। गुरु जी मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मेरे पीछे क्या है, मतलब मेरा कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? धनश्री बसवंत है। क्या धनश? धनश्री बसवंत है, नांदेड़ से हूँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किधर? हाँ नांदेड़, नांदेड़। ओके क्या जान, क्या बोलना चाह रहे हैं? फाइनेंशियल, फैमिली, सब। तुम्हारी तो बेटा घर घर में बंदर लगी हुई है, तंत्रों का भी है, प्लस तुम्हारा रास्ते से राइट साइड में घर है ना? हाँ रास्ते से राइट साइड में घर है तुम्हारा, 3 नंबर आता है ना, 3 नंबर, 1 2 3। पापा डॉक्टर है पर कुछ अच्छा ही नहीं होता बेटा। लक्ष्मी बंधन की गई है, ठीक है, आप अपना माइंड 100% लगाते हो, अपना पूरा पूरी की पूरी जो है कि 100% देने की कोशिश करते हो लेकिन कामयाब नहीं होता। अभी इस समय शनि ग्रह आपके अंदर प्रवेश कर चुका है, मंगल दोष है, काल सर्प दोष है, माइंड को संतुलन में नहीं रहने देता। बाबा जी आपसे ना 2 साल पहले भी मैं कनेक्ट होने का ट्राई किया था, पर तब भी कोई ना कोई रुकावट आई है। कोई टेंशन नहीं है, आप देखो वेबसाइट पे आप बुकिंग कर लीजिए, जो भी होगा बात कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बाबा जी, मतलब कैसे है, माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है ना, बट फैमिली से भी कोई रिश्ता अच्छा नहीं है, रोज क्लेश होता है घर में। कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैं बहुत बार आपसे मिलने की कोशिश भी की बट ना कोई रुकावट आती है। देखो बेटा मैं एक ही बात बोलता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि
मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद ऊपर वाले का कुछ ना कुछ है कि मिलने के लिए हर किसी से बोलते ना टेंशन हो ही जाता है। बट बाबा की तीन साल से मैं प्रयास कर रही हूँ कि आपसे मिल लूं, बट नहीं हो रहा बाबा जी, कुछ आप बताओ ना। मिलना पड़ेगा बेटा आके। अब देखो महाराष्ट्र में तो हमने काम बंद कर दिया है, जो भी काम चालू हो रहा है काशी में ही है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग ही इरिटेट कर देते हैं। महाराष्ट्र के लोग ये नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई अच्छे इंसान की जरूरत होगी। बट मैंने कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, बट बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। देख रहा हूँ बेटा, बाबा जी आपका मैं अपॉइंटमेंट ले लूं क्या? ले लीजिए, सब हो जाएगा बेटा। ये छोटी मोटी बात है, आप अच्छी जगह पे नहीं पहुंच पाते इसलिए दिक्कत होती है। टेंशन मत लीजिए, घर में तुम्हारे चिड़चिड़ापन है वो भी सब सारी चीजें खत्म हो जाएगी। और प्लस क्या है, आपके ना जो है ना ये चाचा चाची जो है ना ये तुम्हारे पीछे पड़े हुए है। पता नहीं अब उनका, क्योंकि मैं कैसे स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई वगैरह जॉब इसके आगे कुछ नहीं पता है। आपकी वजह से मुझे अपने धर्म का अपना क्या है क्या नहीं वो तो आपसे पता चला मुझे कि अपना सनातन। देखो बेटा, हम एक ही हमेशा बोलते हैं, लोग कहते हैं कि मैं जय भीम से हूँ, मैं जंगली हूँ, मैं आदिवासी हूँ, लेकिन इनको ये पता नहीं कि हमारा जो जन्म हुआ है हमें अपने आप को सिद्ध करने के लिए, ठीक है। धर्म सबके है, हाँ आने वाले पहले के युग में क्या होता था, पहले समय जो बीतता गया, ब्राह्मणों ने हर एक चीजों को चेंज कर दिया, तो इसके वजह से लोगों का दिल टूटा हुआ है। गलतियां ना आपकी है ना किसी और की है, गलतियां है पूरे के पूरे ब्राह्मणों का। हाँ बाबा जी, आपके इतने बुरे ख्याल भी आते हैं, बट ना जैसे आपने सिखाया है कि बुरे रास्ते जाना ही नहीं है, तो मैं ये चीजें ना अवॉइड ही करती हूँ, कभी बुरा रास्ता जाना ही नहीं है, मैंने डिसाइड ही कर लिया। नहीं तो आप टेंशन वो सब सारी चीजें मत लीजिए, जो होगा सो अच्छा होगा, माता रानी का आशीर्वाद है और सब होगा। और पहली बात तो आपके बंधन काटने पड़ेंगे, और बंधन लक्ष्मी बंधन कुल देवी पितृ बंधन काटने पड़ेंगे, कटिंग होके एक्टिव करेंगे, फिर वो एक सवा महीने में सब रूटीन तब चेंज हो जाएगा। ठीक है बाबा जी, मैं ऐसे पैसे अरेंज करके आपके अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, बस आपसे थोड़ा ध्यान रखना आपने। ठीक है, दिमाग ज्यादा चलाओ मत किसी बारी दुनिया में दिमाग मत चलाओ, ठीक है। इमोशनल हो जाता है, इमोशनल होना बंद करो। इमोशंस तो आपसे मिलना हो ना तो नहीं रोऊंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि बाबा जी एक साल से मैं रोती ही रही हूँ। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। जय माता दी बाबा जी। बोल बेटा। मुझे बहुत समस्या, पूरी फैमिली खत्म कर दी हमारे परिवार वालों ने। अरे तो अपॉइंटमेंट लो, आओ ना, क्या ये सब सारी चीजें सोच रहे हो? ये 10 महीने से नंबर ट्राई कर रहे हैं आपके मुझे। नहीं देखो, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि मैं बात नहीं कर पाता, ठीक है ना गुरु जी, पूरे मम्मी पापा भाई बहन सबको खत्म कर दिया, सब सही हो जाएगा टेंशन मत लो। गुरु जी बहुत छोटे थे तब से, अभी 1.5-2 साल से हमारी पूरी फैमिली खत्म कर दी, पूरा परिवार, बच्चे अच्छे सब बेकार कर दी। हो जाएगा टेंशन मत लो, अभी जो चल रहा है तुम्हारा जो अपने तरीके से चल रहा है, तो थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब सही है, ठीक है। टेंशन मत लो, तुम्हारे यार देखो तुम्हारे 3 दुश्मन है तुम्हारे, ठीक है। जी गुरु जी, 3 दुश्मन है, लेफ्ट साइड पे घर है, 7वां नंबर घर तुम्हारा है, ठीक है। हाँ जी गुरु जी, तो बोलने का मतलब यह है कि थोड़ा सा अपने दुश्मनों से बचो, बाकी कुछ नहीं। गुरु जी कहाँ आना पड़ेगा? हम बनारसी आना है। कहाँ से बोल रहे हो? हम डिस्ट्रिक्ट झांसी से बोल रहे हैं, मोट ब्लॉक। हाँ तो आ जाओ ना बनारस, झांसी से वहाँ बनारस। पहले आप ना जाके वेबसाइट पे अपना अपॉइंटमेंट चेक कर लो, ले लो आप, आपको टाइम दे दिया जाएगा कि कब आना है आपको, है ना। वेबसाइट से क्या करना पड़ेगा गुरु जी? राधिका मेरा जुड़ो आप। चलो ठीक है बेटा, कोई टेंशन नहीं है, बात होते रहेगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है जी। बहुत परेशान है गुरु, पूरी फैमिली खत्म कर दी, अकेले बची। ठीक, कोई टेंशन नहीं है।
फैमिली में कोई नहीं बचा गुरु जी, हम अकेले बच्चे डेढ़ दो साल से पागल कर रखा, चोट पर रकम लगा रखी। अरे सब हो जाएगा, फैमिली को मारने वाले इनकी औकात नहीं है, शैतानों की औकात नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कुछ गलतियां हैं तुम सभी का, इसीलिए दुनियादारी होता है। भगवान को मानते नहीं हो, तुम्हारे कुलदेवियों को पूजा देते नहीं हो, तुमको अपने आप ही तो फंसते हो तुम लोग। गुरु जी कहाँ आना पड़ेगा, एड्रेस कैसे मिलेगा? वेबसाइट पे बुकिंग करो, वहाँ पे मिल जाएगा एड्रेस। जी गुरु जी, चलो जय माता, जय माई गुरु, जय स्पष्ट गुरुदेव। और नितिन गुरुदेव, बस बढ़िया गुरुदेव, माता महादेव की आशीर्वाद है, आपका हाथ है गुरुदेव सर में। कालू करके है, वो कंटिन्यू वीडियो कॉल करता है, कालू आपको तुझे ब्लॉक कर देगा। बस गुरुदेव सब बढ़िया गुरुदेव, अभी तो बढ़िया है गुरुदेव, बस आपका हाथ है गुरुदेव सर में, आप ही को याद करे थे गुरुदेव, आप ही को याद करते गुरुदेव, बात ही नहीं हो पाती आपसे अब, है ना? जी गुरुदेव जी, बात है ना, हर इंसान को अपने अपने बारे में सोचना चाहिए, सोचते नहीं हो इसीलिए तो दुनियादारी करके परेशान हो जाते हो, ये भी तो गलत है ना। जी गुरुदेव, इसीलिए कहते हैं जिंदगी में कुछ भी करना है सही से करो, नहीं करना है तो भूल जाओ, है ना? नहीं गुरुदेव, बस आप जिस रास्ते पर दिखाए गुरु जी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, बस चलो ना भक्ति भाव से पूरी जाओगे तो भला होगा ना बेटा। जी गुरुदेव, उसी रास्ते पे जाने से भला होगा ना, अभी फालतू फ्री के रास्ते पे चलोगे कुछ होगा भी नहीं और कुछ कर भी नहीं पाओगे और ऊपर से अटकते जाओगे, क्या मतलब है इसे, ऐसी जिंदगी जीने से क्या मतलब, ये बताओ मुझे। सही गुरुदेव, उसके पहले ज्ञान ही नहीं था गुरुदेव, किस प्रकार से रहना है जीवन में, क्या करना है। लेट ज्ञान आया तो सही, लेट ही सही आया ना, बात खत्म। मेरे लिए सही है गुरु जी, मेरे पहले और आखिरी गुरु आप ही हो, इसके पहले मुझे ना ज्ञान मिला ना गुरु मिले। ये अरबंगी है ना, जो ज्ञान नहीं लेता तो गाली देके देता, आगे बताओ। गुरु जी गुरी पूर्णिमा में आए थे, बस थोड़ा सा मन दुखी रह गया बस। अरे ऐसा क्यों सोचता, अभी देख बेटा क्या है, दिनेश्वर महाराज अकेला है यहाँ तो, कोई ग्रुप वगैरह चलाता नहीं, और जो भी तुम्हारे कार्य है जो भी करना है मुझे ही करना, किसी और को तो करना नहीं है ना। दिक्कत ये है ना कि जब मेरे जगह पे तुम बैठोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा जी गुरु जी कैसे झेलते, समझ में आया? जी गुरु जी, आपको याद है गुरु जी जब फर्स्ट टाइम मैं आपको देखा था, आपके चरणों में मैं सर को टेका था, उसके बाद फिर ऊपर गए थे गुरु जी, फिर उसके बाद हम बैग लेके वापस जा रहे थे होटल के लिए, तो मैं रोते रोते गया था गुरु जी। क्या हुआ था? मैं रोते रोते वापस गया था, जब वहां पास बोले ना भैया बोले कि यहाँ पास मतलब साधना वाले रहेंगे, आप लोग होटल ले लीजिए करके, तो वहां से हम काली भैया और मैं जा रहे थे वापस होटल लेने के लिए। एक तो वहां तो मेजरमेंट थोड़ी सी गड़बड़ है, वहां पे पानी वानी का दिक्कत था, अभी स्टार्टिंग पीरियड था वो सब सारे, क्योंकि वही गुरुजी मन भर गया था थोड़ा सा कि गुरुजी के सानिध्य में भले ही एक घंटे दो घंटे रहना था लेकिन रहना था करके। चलो ये सब मन भर गया ये मैं सोचो, गुरु की भी मजबूरी समझा करो, ठीक है? जी गुरुदेव, वो तो है जी गुरुदेव, तुम नहीं समझोगे तो समझेगा कौन, मेरा बस नहीं गुरुजी समझे, इसीलिए अपना भाव बता रहे गुरुजी। जी गुरुदेव, भाव तो भाव गुरुजी, एक छोटा सा गुरुजी का काम करना है गुरुजी, स्टार्ट करना है, आप बोले काम करिए करके, लेकिन गुरुजी कान मिल जाता ना तो काम अच्छे से हो जाता। क्या मिल जाता? कान गुरुजी, कान। ग्रुप में जुड़े हो, तुमको बोला था कि जुड़ जाना उधर आके, कम से कम वहाँ पे जो भी शक्तियाँ प्रदान करता कर देता, अभी तुम बता ये क्या हो, जी गुरुजी और भी लिया है, शक्तियों को देखो रन करना है, शक्तियों के साथ में काम करना है, तो सबके साथ में रिलेशन रखना जरूरी होता है, सबको अपने पास होना चाहिए, ठीक है ना? तंत्र कई प्रकार के होते हैं, और भी जैसे हमने दिया था तुम लोगों को, अभी चलो अनुमति दे दी है, चलो ठीक है तुम लोग अपना जो भी करना करो, है ना? लेकिन बड़े कार्य आ गए तो क्या करोगे,
जी गुरुदेव, इसीलिए तो नहीं कार्य में मतलब कुछ कर ही नहीं है, सिर्फ घर में ही हो रहा है कार्य, बाहर कुछ नहीं देख रहे हैं। नहीं बाहर कर सकते हो, बाहर छोटी मोटी चीजों को हटा सकते हो, मान लेना कहीं भयानक अगर कहीं मारण फारण है तो उसका क्या करोगे। वही गुरु जी, इसीलिए तो चालू नहीं कर रहे, अब कुछ कान वान भी रहेगा तो ज्ञान आएंगे, गौरवीर जी से ज्ञान लेंगे, ऐसा करके सोच रहे गुरु जी। बोलने का मतलब है ना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, मैं ऐसा तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये नहीं करना है वो नहीं करना है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं कि हम आपको बोलेंगे दुनियादारी होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है जी गुरु, जो होता है थोड़ा काम देना होता है, फिलहाल कर सकते हो काम जो भी है तुम्हारे हिसाब से वो काम कर सकते हो। ठीक है जी गुरुदेव, चलो ठीक है गुरु जी, ठीक है, जय माता दी। उदय सिंह सोन जा रहे हैं, अब क्या हुआ भैया, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन। चलिए कमेंट करके पूछ लो बेटा, कमेंट करके पूछो, तिलक लेना है छोटे बलि। आयुष बजवे जय खुश रहो, चलिए ठीक है, जय माता दी है सभी को। तिलक लेना है बेटा तो वेबसाइट पे जाना होगा, वेबसाइट पे आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, यहाँ मतलब बोल के कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। श्री राम जानकी, ऐड नहीं हो रहा है बेटा, पता नहीं क्या हो गया है। ऐड नहीं हो रहा है, घर में भैरव जी की फोटो रखोगे तो सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और जिन गधों ने ये सब बोला है कि घर में भैरव जी का फोटो नहीं रखना है, इसे गधों को जूता मारो साले को, जिस किसी ने भी बोला है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, जुड़ पा नहीं रहे लोग। चलो मैं इनवाइट करता हूँ, आप यहाँ पे मैसेज करो, मैं इनवाइट करता हूँ, यहाँ से जुड़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे 12 लोगों ने रिक्वेस्ट दिया है लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो नंबर ही नहीं आ रहा है, मालूम है टेलीग्राम ग्रुप में। खुश रहो राधिका बहना, खुश रहो, ओम नमः शिवाय। चलो ठीक है, हम जोड़ देते हैं किसी को, चलो चलो इनवाइट कर लिया है मैंने, जिसको किया है इनवाइट वो वीडियो पे जुड़ जाए। गुरु जी नमस्कार। बोल बेटा, कैसे हो आप? एकदम झकास। ठीक है, मेरी बाइक का प्रॉब्लम चल रहा है तो वो नहीं आ रही है, पता नहीं अब क्या करूं गुरु जी, वो आएगी या नहीं आएगी। 2 महीने से बैठी है पीएल, 2 महीने से पीएल बैठी हुई है। इंस्टाग्राम पे मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा, ये ध्यान रखना नीम राम, मैं ब्लॉक कर दूंगा तुझे, ये ध्यान रखना। एक है फोन कर रहा है यहाँ पे, मतलब ब्लॉक कर दूंगा फिर हो गया कल्याण इनका, अब एक बार और चांस दे देते, अगर फोन कर दिया गलती से तो इसे ब्लॉक कर देंगे हम। हम एक बार नहीं 100 बार बोलते हैं कि हम दुनियादारी नहीं करते तो नहीं करते, है ना गुरु जी? बोलो बेटा। जो भाई पूरा 2 महीने से बैठे हुए पिए थे, आने का मना बोली, अब क्या मतलब उसका मन है कि नहीं आने का, अब क्या करूं? मतलब भाई पीर बैठे हुए आने का मना बोल लिया, यू शादी को 3 साल हो गए,
अरे तुम दो तीन साल हो गए तो बेटा वेबसाइट पे जुड़ दे, वहाँ पे जो भी है दान दक्षिणा कर, दिनेश्वर महाराज को मंदिर बना रहा हूँ यार, समझा कर तू। बात समझा करो, जुड़ो अभी, ऐसे वैसे ये सब सारी चीजें नॉर्मल काम नहीं होते ना बेटा। नॉर्मल काम हो तो चलो ठीक है कर देते हैं, लेकिन वो सब सारी चीजों में अब कहां से किसको कौन सा बंदे ने छेड़ा है वो तो देखना पड़ेगा ना, वो देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से काम होता है ना। थोड़ा आइडिया बता दे तो पता चल जाता। वेबसाइट पे दिया है, आइडिया मत पूछो, यहाँ पर वेबसाइट पे दिया है वहां पे आइडिया ले लो, ठीक है बेटा। ओके ठीक बेटा, बोलो बेटा। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, शादी नहीं हो पा रही, पता नहीं ऐसा क्या है, समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम है तुम्हारा? रानू। क्या? रानू झा। रामू झा, कहाँ से, बिहार से हो? नहीं, ललितपुर से, यूपी से। झा तो बिहार में आते हैं, बिहार से शिफ्ट हुए क्या? नहीं, झांसी के पास है ललितपुर। नहीं, झा जितने होते हैं वो बिहार में होते हैं। हाँ होते तो है, लेकिन ये झांसी के पास में है ललितपुर, वहां से है। एज कितना हुआ तुम्हारा? क्या एज कितना हुआ? एज 32 हो गई। तीन 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 लोग तुम्हारे लाइफ में आके गए? आके गए तीन लोग, तीन लोगों का जो, तीन लोगों से जो तुम्हारी रिश्ता बनने थे वो आके गए, मतलब बात बड़ी। हाँ। सब कुछ हुआ, फिनिश हो गया। हाँ। है ना। हाँ, हाँ। तुम्हारा तुम्हारा जो है ना थोड़ा सा ये जो चल रहा है, गांव का नाम क्या बताया तुमने, माता पिता का नाम बताओ? माता का नाम पार्वती और पिता का नाम मोहनलाल। वेबसाइट से बुकिंग करो बेटा, हो जाएगा, टेंशन मत लो। गुरुजी एक बार हमने आपसे मतलब करवाया भी था तो आपने बताया था कि मतलब मेरा सिर भारी होता है और ये काला मुंह भी पड़ गया किसी वजह से। तुम्हारे साथ में कुछ गलत चीजें हैं, ठीक है, वो हाँ। सारे रिश्ता खराब कर देता है, उसे पहले निकालना होगा, ठीक है। हाँ, उसे निकालना होगा। तुम क्या जब सुबह सो के उठते हो शरीर सुस्त रहती है तुम्हारी, अचानक सांस रुकना और मुंह बंद हो जाना, यही सब सारी चीजें चल रही है तुम्हारे साथ। हाँ। ठीक है, तो वो सब सारी चीजों को निकालना होगा, वो नहीं निकलेगा जब तक कुछ नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। ठीक, तो वो करना होगा। गुरुजी कहाँ आना पड़ेगा? हाँ, बनारस आना पड़ेगा। चलो जय माता दी बेटा। बोलो। हेलो गुरुजी, प्रणाम। अरे तुम दिखाई नहीं रहे हो। आ गया गुरुजी लाइव। पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है, देख रहे हो? निकाल दिया तो अच्छा रहा ना। गुरुजी तुम्हारा कट रहा है। एक चीज, मैं भी अभी जोड़ता हूँ आवाज को। आया आवाज? आया अब? आया आवाज अभी आ रहा है? तुम्हारा वीडियो ही अटक रहा है। अटक रहा है बेटा, अटक रहा है। वीडियो तुम्हारा अटक रहा है। चलो जय गुरु। बोल बड़ा।
जय गुरुदेव। बोलो गुरुदेव, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, आशीर्वाद दे दीजिए। चलो ठीक है, आशीर्वाद हो जाएगा, टेंशन मत लो। गुरुदेव मुझे आपका शिष्य बनना था। शिष्य बनना था बेटा, मैं मेरा एक ही देखो, या तो साधना कराता हूँ, मंत्र दीक्षा देना होता है तो हाँ, गुरुदेव मंत्र साधना सिर्फ गुरु पूर्णिमा में देता हूँ मैं, आप दूसरों जैसा नहीं, साधना के लिए दे देता हूँ मंत्र दीक्षा। अगर मंत्र दीक्षा अगर वाकई देखा जाए तो गुरु पूर्णिमा से बेटर कोई दिन नहीं है। हाँ गुरुदेव, गुरुदेव आपने बताया था काली माता की साधना की थी पहले, वही करनी है अभी। चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं बेटा, हो जाएगा ठीक है, जैसा भी रहेगा हम बात करेंगे, इसमें टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, टेंशन की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक होगा। चलो इतना इधर तो टाइम ही नहीं शो करता, चलिए कोई टेंशन नहीं, अभी मैं आते रहूंगा यहाँ पे, लाइव आते रहूंगा। चलिए जय माता दी।